पानी पूरी, आज हम पूरियां बनाएंगे और इतनी क्रिस्पी पूरियां बनेंगी कि आपको देखो मैं एक क्रैक करके दिखाती हूँ कि देखो देखो ऐसी पानी पूरी हमारी बन करके तैयार होगी। और एक और मेरा तोड़ने का मन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के बताऊंगी। देखिए तो ऐसी पानी पूरी बनाने के लिए हम फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। आज हम पूरियां बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और फूली हुई पूरी आज हम बनाने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाइए, जिससे कि मेरी और वीडियोस जो आएंगी तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक बटन भी जरूर प्रेस करें। तो आज हम फूली गोलगप्पे भी बोलते हैं इसको, तो पानीपुरी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमको एक पौने एक बाउल में सूजी चाहिए और उतनी ही हमको इक्वल क्वांटिटी में उतनी ही मात्रा में आटा, गेहूं का आटा, दोनों को मिक्स करने। इसमें हमको ना ही हमको इसको नमक डालने की जरूरत है, ना ही इसमें हम सोडा डालेंगे और ना ही हम इसमें कोई सा ऑयल या घी डालेंगे। हम ये मात्र दो चीजों से हम अपने आज गोलगप्पे बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैंने पानी गुनगुना करके रखा है, तो हम इसमें गुनगुने पानी से इसको हम डफ बनाएंगे। इसको हम हाथ से हल्का सा गुनगुना पानी, याद रहे हल्का सा गुनगुना पानी लेना है हमको। और एकदम मस्त फूली, सबको शिकायत रहती है कि हमारी पानी पूरी फूली नहीं है, फूली नहीं है। आज हम ऐसे बनाएंगे कि जिससे आपकी पानी पूरी जरूर फूलेगी और खस्ता भी बनेगी। इसको हम आटा गूंदने के बाद, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है हमारा ये पानी पूरी का आटा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कपड़े में ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसको ढक करके रखेंगे जिससे कि हमारी पानी पूरी बहुत अच्छे से फूलेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो हम इसको आधे घंटे तक रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है और हम देखेंगे उसको। अब हमारा ये आटा बिल्कुल गूंद करके एकदम तैयार हो गया है। थोड़ा सा देखो फूल भी गया है, कड़क हो गया थोड़ा सा। तो अब हम इसको थोड़ा सा मसलेंगे उसको। और हमको याद रखना है कि हम आटा और सूजी जो रवा बोलते हैं दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आप एक कटोरी रवा ले रहे हैं तो एक कटोरी आटा लेना है, और आधी कटोरी ले रहे हैं तो आधी कटोरी ही हमको रवा लेना है। इसमें मैंने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना शुगर ना सॉल्ट ऐड किया है, ना ही मैंने और कोई चीज ऐड करी है। सिर्फ गुनगुने पानी से हमने इसको ऐसी पतली पतली हम इसको करेंगे, और पतला करने के बाद हम इसको छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। देखिए ऐसी छोटी छोटी हम लोइयां बनाएंगे इसकी। लोइयां हमने बना करके तैयार कर लेंगे सारे आटे की, और फिर इसके बाद हम इनको बेलेंगे। तो आप अभी ये मैंने अभी सारी गोलियां बना के रख दी हैं, अब मैं उनको बेलने वाली हूँ। बेलने में हमको ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, हमको मीडियम में बेलना है। ऐसी करके देखो इतनी हमको, ना ही ज्यादा पतली है ना ज्यादा मोटी है, इतनी हमको थिकनेस रखनी है। और इसको हम यहाँ पर रखते जाएंगे। एक हम यहाँ पर एक मैंने ये लिया है, इसमें कपड़े में हम इसे रख के रखते जाएंगे। ऐसे ही मैं सारी पूरियां बना दूंगी और हमको ऐसे ही मैं आपको तीन चार और बना के बताती हूँ।
सारी पूरियां हमारी बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हम इनको सबको अच्छी ऑयल में, ऑयल इतना गर्म हो जाना चाहिए कि हमें ऊपर से थोड़ा सा धुआं दिखना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा धुआं उठा है, इतना गर्म हमारा ऑयल हो जाना चाहिए। इसके बाद हम पूरियां तलेंगे। और पूरियां तलने से पहले हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले जो पूरी हमने बनाई है, हमको सबसे पहले उसको उठाकर, सबसे पहले उसको उठा करके हमको फ्राई करना है। तो ये सबसे पहले हमारी बनाई हुई पूरियां हैं, तो हम इनको सबसे पहले उठाएंगे। अभी देखिए हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इनमें एक एक करके पूरियां डालेंगे। और पूरी हमेशा हम जिस हिसाब से हमने रखी है ना, उसी हिसाब से गीला वाला परत नीचे होना चाहिए और सूखा वाला ऊपर। सीधी की सीधी हमको डालना है, हमको पलटना नहीं है, हमको सीधी की सीधी। देखो कितनी सुंदर हमारी पूरियां फूल करके तैयार हो रही है। इसके बाद हमको तुरंत गैस को एकदम स्लो फ्लेम में करना है। देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी पूरी तैयार हो रही है। एकदम स्लो फ्लेम में हमको फ्लेम में इसको बना करके तैयार करना है। देखिए एक भी हमारी पूरी चपटी नहीं है, सारी हमारी फूल करके तैयार हो गई हैं। और जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया, सेम उसी प्रोसेस से हमको ये करना है। अगर हम जरा सा भी मेजरमेंट कम ज्यादा करेंगे तो हमारी पूरी बिल्कुल नहीं फूलेगी और हमारी आपको मजा नहीं आएगा। अभी जो क्रिस्पी एकदम क्रिस्पी पानी पूरी हमारी बन करके तैयार, अभी हम इसको एक में निकालेंगे। देखिए कितनी करारी और क्रिस्पी हमारी पानी पूरी बनकर के तैयार हुई है। ऐसे ही हम और दूसरी भी इस तरह से ही हम निकालेंगे। पूरियां बन, अभी हमारी ये सारी बन करके तैयार हो गई हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ी सी दो चार ही गोलगप्पे हमारे नहीं फूले हैं, बाकी आप देख सकते हैं हमारे सारे ही गोलगप्पे बहुत अच्छी तरह से फूले हैं। और मेजरमेंट हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट हमारा बराबर होना चाहिए, तो हमारी गोलगप्पे इस तरह से आप बनाएंगे तो जरूर फूलेंगे। देखो एक ही हमारी ये चपटी बनी है, बाकी सब हमारी अच्छी बनी है। तो ये हमारी सारी गोलगप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। तो प्लीज आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आइकॉन बटन पे जाके आप बेल बजाइए ताकि उससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगी आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।